पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जा रहा है। इस पहले वनडे मैच के हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स क्या है, कितने बजे मैच शुरू होने जा रहा है, कितने ओवर्स की कटौती होगी या फिर क्या फैसला किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अगर होगा तो कितने ओवर्स का मैच होगा, कितने बजे शुरू होगा, ये तमाम अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको क्रिकेट की नई लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसको वॉच कर पाए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जा रहा है। इस मैच के हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं? कौन सी टीम जीतेगी? बारिश हो रही है, काफी बारिश हुई है। अब मैच कितने बजे शुरू होगा और कितने ओवर्स पर खेला जाएगा, कितने ओवर्स फीनिंग मैच होगा, कितने ओवर्स का मैच होगा, अभी जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जराये के मुताबिक कराची के ग्राउंड में 20 मिनट भी बारिश होती है तो 20 मिनट का इतना नुकसान होगा कि 2.5 घंटे 20 मिनट की बारिश के पानी को निकालने के लिए लग जाएंगे। इसी बुनियाद पर कराची के ग्राउंड में अभी भी पानी खड़ा है, बारिश तो रुक चुकी है जो अच्छी बात है शायकी ने क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए, लेकिन कराची के ग्राउंड में पानी अभी भी खड़ा है। 10 साल बाद वनडे मैच होने जा रहा है, उस तरह से इंतजाम नहीं है, मशीने नहीं है। कहा जा रहा था कि सिर्फ एक मशीन है जो पानी की निकासी करती है, इसी वजह से पानी की निकासी के लिए काफी मसाइल का सामना है। अब ये मैच कितने बजे शुरू होगा और कितने ओवर्स का मैच खेला जाएगा? अगर बारिश का पानी शाम 7 बजे से पहले निकाल लिया जाता है, 7:30 बजे से पहले ग्राउंड खेलने के काबिल हो जाता है, पिच खेलने के काबिल होती है, तो ये मैच 2020 मैच की सूरत में होगा, T20 मैच बन जाएगा। फीनिंग 20 ओवर्स होंगे, इस तरह से एक बहुत अच्छा मैच बन जाएगा जो T20 होगा। अगर बारिश दोबारा नहीं होती तो कभी इम्कान है कि मैच तकरीबन 7 बजे के करीब शुरू हो जाएगा, 6 से 7 बजे के करीब मैच शुरू होगा। ओवर जो होंगे 20 से 30 ओवर्स के दरमियान होंगे, इससे ज्यादा ओवर्स का मैच मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर मैच ना हो पाया तो इस मैच को कैंसिल कर दिया जाएगा, मनसूख कर दिया जाएगा। ना पाकिस्तान की जीत होगी, ना श्रीलंका की जीत होगी।